आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो सबसे पहले इस स्टोरी के राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। इसे लिखा है अनीज जंग ने और इनका जन्म हुआ था 1964 में। शी वॉज बॉर्न इन रोकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडल्टेंस इन हैदराबाद। रोकेला में इनका जन्म हुआ और अपना बचपन और जवानी इन्होंने हैदराबाद में ही स्पेंट की। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। हैदराबाद में ही अपनी शिक्षा इन्होंने हासिल की एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैदराबाद में, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA में इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। दोनों पेरेंट्स, माता पिता उनके राइटर्स थे। अनीस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने भी अपना करियर भारतीय राइटर के रूप में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। बड़े बड़े अखबारों में वो एक संपादक के रूप में और स्तंभकार के रूप में, कॉलमिस्ट के रूप में जानी गईं इन इंडिया एंड अब्रॉड, देश में भी, भारत में भी और विदेशों में भी। एंड हैज़ ऑथराइज्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट ऑफ फ्रॉम हर बुक्स टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानी। उसमें से ही एक्सर्ट्स लिया गया है, उसमें से एक हिस्सा लिया गया है। हियर शी एनालाइज फॉर द ग्रीमिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम्ड दीज चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोइजेशन। यहाँ पर उन्होंने स्टोरीज में बताया गया है कि बच्चों ने अपने कैसे अपना जो लॉस्ट चाइल्डहुड, उनका बचपन जो खो दिया है और अपना उनका बचपन जो विनाश हो गया है और काम में लग गया है, उसके बारे में इस स्टोरी में बताती हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो स्टोरीज एक्चुअली दी हैं। पहली स्टोरी है समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज। मुझे कभी कभी गार्बेज में पैसा मिलता है। जैसा कि टाइटल का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड खोई हुए बचपन की कहानी, मतलब बचपन को यहाँ पर स्प्रिंग, बसंत ऋतु के तरह देखा गया है। तो पहली स्टोरी और दूसरी स्टोरी दोनों स्टोरीज हैं। दोनों स्टोरीज में यहाँ पर किसी बच्चे ने अपना बचपन खोया है। तो पहली स्टोरी हम शुरू करते हैं। व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब। यहाँ पे नरेटर खुद ही ऑथर बोल रही हैं, मैंने साहेब से पूछा तुम ये क्यों करते हो। आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्कॉर्निंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्स ऑफ फ्रॉम नेबरहुड। तो मैं उसे रोज़ हर सुबह देखती थी कि वो कचड़े में कुछ ना कुछ ढूंढा करता था। तो मैंने उससे पूछा तुम ये क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने लंबे समय पहले अपना घर छोड़ रखा था, सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और ढाका की हरियाली के बीच में वो रहता था, हरे खेतों के बीच में वो रहता था। हिज नेम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। और उसका नाम जो है उसे अपनी याद में भी पता नहीं है, उसे याद भी नहीं है उसके नाम की। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। और कई तूफान आए जिसकी वजह से उसके खेत और घर बर्बाद हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसे बताया, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, वहाँ से जहाँ रहते थे वहाँ छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, बड़े शहर में गोल्ड की तलाश में जहाँ वो अब रहते हैं, मतलब अपने शहर का नाम वो भूल चुका है जहाँ वो पहले रहा करता था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब जब उसने पूछा था, पहले क्वेश्चन पूछा था तुम ये क्यों करते हो, तो उसका जवाब दिया है आई हैव नथिंग टू डू। साहिब ने आंसर दिया कि मेरे पास करने को कुछ है नहीं। ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, और मैंने कहा स्कूल जाओ
रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, उसके लिए ये एडवाइस कितनी ज़्यादा कठिन होगी ये रियलाइज करते हुए भी मैंने पूछा कि स्कूल जाओ, बोलने के बाद रियलाइज हुआ कि उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा स्कूल जाना। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उसने जवाब में कहा मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो उसने मजाक में कह दिया जब वो स्कूल बनाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, अभी कोई स्कूल नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जा सकता। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम आई आस्क, तो राइटर खुद कह रही हैं मैंने पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँगी तो तुम आओगे, हाफ जोकिंग थोड़ा मजाक करते हुए। उसने जवाब में कहा यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली मतलब खूब तेज जोर से हंसते हुए उसने कहा बिल्कुल जरूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद वो मेरे पीछे भाग रहा था, राइटर बोल रही हैं कुछ दिनों बाद वो मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे पूछ रहा था इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है, क्योंकि उसने कहा था मेरा स्कूल बनेगा तो तुम आओगे, तो उसने कुछ दिनों बाद ही पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। तो आंसर में राइटर ने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने में निर्माण करने में लंबा समय लगता है। आई से मैंने जवाब दिया, राइटर ने बताया एम्बेरेस्ड मतलब अपने आप में शर्मिंदा होते हुए एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन, कि मैंने एक वादा किया जो मैंने निभाया नहीं। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिस जो होते हैं मेरे जैसे वादे ऐसे इस तरह के लोगों के लिए हर समय पर तोड़े जाते हैं, संसार के दुनिया के हर कोने पर तोड़े जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसे जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, उसने जवाब दिया कि नाम उसका क्या है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे पता भी नहीं था कि उसके नाम का अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे पता होता इसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के ब्रह्मांड का भगवान, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो इस बात पर वो विश्वास नहीं करता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस जानकारी के परे कि उसके नाम की मीनिंग क्या है अर्थ क्या है, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, वो एक ऐसे बेयर फुट बॉयज हैं मतलब जो पैरों में कुछ पहने नहीं रहते, नंगे पैर घूमते रहते हैं और वो सुबह आते हैं पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों से आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों से मैं उसे देख रही हूँ इनको, राइटर बोल रही हैं, तो मैं प्रत्येक को जानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा उनमें से कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर सिंपली, तो उसने सिंपली सीधे से जवाब दिया कि मेरी माँ वो उसे शेल्फ से उतारती नहीं है चप्पलों को, इसलिए नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, तो दूसरे लड़के ने कहा कि इसकी माँ ऊपर से उतार भी देंगी चप्पलों को फिर भी ये नहीं पहनेगा, उनको फेंक देगा। हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो जूते पहने था जो उसे मैच नहीं कर रहे थे ऐसे जूते पहने था, उस लड़के ने जवाब दिया कि इसकी माँ चप्पलों को उतार भी देंगी तब भी उन चप्पलों को ये फेंक देगा। When I comment on it, जब मैंने इस पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing, तो पैरों को पटकता है और कुछ नहीं कहता। I want shoes, मुझे जूते चाहिए, says a third boy, तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए, who has never owned a pair all his life, जिसने जिंदगी में उसके पास जूते नहीं थे, कभी भी जूते उसके पास थे ही नहीं। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot, शहर में घूमते हुए मैंने देखा है बच्चों को बेयर फुट नंगे पांव अक्सर देखा है। इन सिटीज ऑन विलेज रोड, शहरों में भी और गांव की सड़कों पर भी वो नंगे पैर घूमते हैं। आई हैव सीन चिल्ड्रन
सॉरी इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी के कारण नहीं होता, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इन वन एक्सप्लेनेशन, बल्कि नंगे पांव रहना उनके लिए एक ट्रेडिशन, एक परंपरा के समान होता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं आश्चर्यचकित होती हूँ, क्या गरीब को छुपाने के लिए ये उनका बहाना है कि हमारी परंपरा है नंगे पैर घूमना। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदिपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो एक उदिपी के व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड एट टेम्पल, वो जब नबीयुवक था तो एक स्कूल में जाता था, वहाँ मंदिर था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, उसी मंदिर में उसके पिताजी प्रीस्ट थे यानी कि पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, तो वो लड़का वहाँ पर रुकता था मंदिर के पास और प्रार्थना करता था भगवान से कि मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। 30 years later, 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद मैंने उसका टाउन देखा और मंदिर भी देखा, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो वो मंदिर बदल गया, उसकी दीवारें थोड़ी सी फेड सी हो गई, डिसोल हो गई। वहाँ पर देखा 30 साल बाद एक प्रिस्ट रहता है, एक लड़का रहता है, और अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और वो लड़का ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनता है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और सॉक्स जुर्राब भी पहने हुए है। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बैग पर अपने स्कूल बैग को फेंक देता है और पैर पटकते हुए आता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, तब मुझे उस लड़के को देखते हुए याद आई उस दूसरे लड़के की जिसने 30 साल पहले इस मंदिर की देवी से प्रार्थना की थी अपने जूतों के लिए, जूते मिले उसे और आज उसे जूते मिल गए, मतलब किसी दूसरे लड़के को जूते मिल गए, मतलब 30 साल बाद वहीं पर एक लड़का खड़ा था जिस पर जूते भी थे और शॉक्स भी थे। लेट मी नेवर लॉस देम, द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, नवयुवक नए लड़के छोटे बच्चे अब जूते पहनने लगे थे जैसे कि प्रीस्ट का लड़का पहने था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में बहुत सारे लड़के, जैसे कि उसने साहेब का नाम लिया, उसके साथ घूमने वाले लड़कों का नाम लिया, वो रैग पिकर्स हैं जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, उन पर अभी भी जूते नहीं हैं, वो अभी भी बिना जूतों के हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, जब इन लड़कों को मैं जानने पहचानने लगी जो बेयर फुट रहते थे, नंगे पैर रहते थे, तो इस इच्छा से, इस जागरूक जिज्ञासा के कारण मैं सीमापुरी की तरफ आगे बढ़ी और उसके इनके जहाँ पर ये रहा करते थे, अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि दिल्ली के का एक हिस्सा था, दिल्ली के इलाके का हिस्सा था। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, यहाँ पर लहर रहने वाले लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमोंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, तब सीमापुरी बहुत विस्तृत थी, इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, वहाँ पर कीचड़ की मड की मतलब मिट्टी के घर बने हुए हैं और छत टीन सेट की बनी हुई हैं। डिवॉइडेड ए सेवेज ड्रेनेज और
रनिंग वाटर, जहाँ पर नालियों में पानी ऐसे ही भरा रहता है, गंदा भरता बहता रहता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वो सीमापुरी इलाके में जहाँ पर वो लोग रहते थे, सीमापुरी इलाके में 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड हीयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा सालों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के। बट विद रेश राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, लेकिन राशन कार्ड पर उनके नाम वोटर्स पर लिखे हुए हैं, वोटर्स के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वोटर लिस्ट में। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे उन्हें अनाज मिल पाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिना किसी पहचान के। पहचान से ज़्यादा भोजन महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को खिला पाते हैं और बिना पेट दर्द के, बिना पेट में भूख के महसूस हुए परिवार को खिलाकर बिस्तर पर जा सकते हैं, सोने के लिए तैयार रह सकते हैं, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो वो एक अच्छी खुशी की बात होती है। से अ ग्रुप, उनमें से एक से अ ग्रुप ऑफ अ वुमन, एक महिलाओं के ग्रुप में से एक महिला ने क्या कहा वहाँ पर, इफ़ इट एंड ऑफ द डे हम कुछ खा लेते हैं, देन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो भले ही जो उन खेतियाँ, जो हमारे जो खेती हैं जो हमें अनाज नहीं देती हैं, उन खेतों को रखने की बजाय अगर हमें यहाँ राशन मिलता है, बिना पहचान के मिलता है, तो हमें ये ज़्यादा मंजूर है। से अ ग्रुप ऑफ वुमन, उन महिलाओं में से एक महिला ने कहा, जिस जो टैटर्ड साड़ी यानी कि फटी पुरानी सी साड़ी पहने हुई थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी सुंदर भूमि और नदियाँ और खेत क्यों छोड़ दिए, वे एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम, तो उनका जवाब आया कि हमें जहाँ भी खाना मिलता है हम वहाँ पर अपने टेंट तान लेते हैं और हम भोजन हासिल करने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे भी वहाँ पर बड़े होते हैं टेंटों में ही और सर्वाइवल का हिस्सा होते हैं, यानी कि वो भी कमाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने का मतलब है रैग पिकिंग, यानी कि कचड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वर्षों से उनके लिए जो गार्बेज है, कचड़ा बीनना, वो गोल्ड के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनका डेली ब्रेड है, रोज की रोटी है। रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके छत पर, उनके सिर पर एक छत है, इसी गार्बेज की वजह, कचड़ा बीनने की वजह से। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो लीकिंग रूफ मतलब छत चोती हो जिसमें पानी निकलती हो, ऐसी छत भले ही क्यों ना हो, लेकिन छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए इससे भी ज़्यादा कुछ होना चाहिए। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब ने कहा, कभी कभी मुझे ऐसे कचड़े में रुपए भी मिल जाते हैं, कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसका आँखें चमकने लगीं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, अगर तुम्हें सिल्वर कॉइन गार्बेज के कचड़े के ढेर में मिल जाए, यू वॉन्ट स्टॉप स्क्रॉन्सिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, अगर एक मिल जाता है तो आप उसे कचड़ा को खंगालने से, मतलब उसको बाहर समेटने से बंद नहीं करते, और भी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि और भी कोई कॉइन मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग different from what it means to their parents. Parents के बच्चों के लिए garbage का, कचड़े का जो अर्थ है बच्चों के लिए, उससे अर्थ different है, भिन्न है। For the children it is wrapped in wonder, बच्चों के लिए उनके garbage के अंदर
आश्चर्य छुपा हुआ है। फॉर द एल्डर इट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए जीने का एक सहारा मात्र है, जीने का साधन मात्र है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय अ फेंस्ड गेट, एक विंटर मॉर्निंग मैंने साहेब को देखा जो फेंस्ड गेट के सामने खड़ा हुआ था। ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक पड़ोस के क्लब के पास। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो दो यंग मैन को, दो नवयुवकों को देख रहा था जो टेनिस खेल रहे थे वाइट ड्रेस पहने हुए। आई लाइक द गेम ही थम्स, वो बोलता है मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उस गेट के बाहर पीछे ही उस बाड़े से देख रहा था और देखते हुए कह रहा था मुझे ये गेम पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट, इस बात को वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे खेलने की परमिशन देता है, कोई चीज़ों को छूने की परमिशन देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज, साहिब भी टेनिस शूज पहने हुए था जो उसे अजीब लग रहे थे उसे पहने हुए। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके जो डिसकलर रंग उड़े हुए शर्ट और शॉर्ट की बजाय वो अलग लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, अपना वर्णन करते हुए उसने बोला। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ अ रिच बॉय, असली बात ये थी कि वो जूते किसी अमीर बच्चे के नष्ट किए हुए जूते हुए, रिजेक्ट किए हुए जूते थे। आगे है बॉय Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them? उसने शायद इन जूतों को पहनने के लिए इसलिए इनकार कर दिया होगा क्योंकि उनमें से एक जूते में एक छेद था। Does not bother him for one who has walked barefoot. लेकिन एक छेद से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता जो नंगे पैर चलता है। उसके लिए तो फटे ही जूते पर्याप्त हैं, एक छेद से क्या होने वाला है। Even shoes with a hole is a dream come true. छेद वाले जूते जिसमें छेद है एक, वो जूते भी उसके लिए सपने के पूरे होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा था वो उसकी पहुंच के परे था। दिस मॉर्निंग साहिब इज एन ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब एक मिल्क बूथ के रास्ते पर जा रहा था, दूध की दुकान पर। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर था, एक कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन एट द डिस्टेंस, उसने जवाब दिया लेखिका को, ऑथर को, कि मैं अब टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो थोड़ी दूरी पर है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपीज़ दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, दिन भर का मुझे खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से जो पहले हुआ करता केयर फ्री जो लुक था वो जा चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग जिसे वो कचरा बीनने के लिए यूज करता था उससे भारी था स्टील कनिस्टर। ई वुड कैरी सो हाईली ओवर हिज शोल्डर, जिसे उसे अपने ऊंचाई पर कंधों पर उठाना पड़ता था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द स्टील कनिस्टर, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन कनिस्टर उस व्यक्ति का था जिसकी चाय की दुकान थी। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब खुद का मालिक नहीं था, लेकिन जब वो कचरा बीनता था तब खुद का मालिक था। तो ये हुई एक स्टोरी यहाँ पर बचपन से ना, जिस लड़के को टेनिस खेलने का शौक़ था और वो कुछ नहीं कर पाता अपने घर के सर्वाइवल के लिए, उसका जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट हो चुका है और उसका चाइल्डहुड रूपी जो स्प्रिंग ऋतु है, बसंत ऋतु को चाइल्डहुड बताया है, वो ख़त्म हो चुका है। तो इस स्टोरी में साहिब का चाइल्डहुड लॉस्ट हुआ है। सेकंड स्टोरी को भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, सेकंड स्टोरी में क्या देखते हैं, क्या लॉस्ट होता है और किस लड़के का चाइल्डहुड लॉस्ट होता है देखते हैं।
आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इस स्टोरी का टाइटल है मैं कार चलाना चाहता हूँ। इसी चैप्टर में अगली स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना ही खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स आई आस्क, ऑथर ने यहाँ फिर से उससे पूछा, मुकेश से पूछा कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, तो उसका जवाब था मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिर्ज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, उसका सपना ऐसा था जैसे कि फिरोजाबाद के उस टाउन में धूल के बीच में, मिट्टी के बीच में सपना पनप रहा था। फेमस फॉर बेंगल्स, फिरोजाबाद जो कि बेंगल्स के लिए चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, फिरोजाबाद में हर परिवार, हर दूसरी फैमिली चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, ये इंडिया की सबसे प्रसिद्ध ग्लास बेंगलिस्ट इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है फिरोजाबाद, जहाँ पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ फर्नेसेज यानी कि आग की भट्टियों के सामने गुजारी हैं। वेल्डिंग ग्लास, कांच कोई वेल्डिंग करते हुए, मेकिंग बेंगल्स चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर वुमन इन द लैंड इट सीम्स, यहाँ पर महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने के लिए। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से ही एक है। नन ऑफ देम नो दैट इज इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, उनमें से कोई नहीं जानता कि बच्चों के लिए ये इलीगल है, ये गैरकानूनी है कि ग्लास बेंगल के चूड़ियाँ बनाना, कांच की चूड़ियाँ बनाना फर्नेसेस के सामने, आग की भट्टियों के सामने बैठकर। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर हवा भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है। दैट द लॉ ऑफ इम्पोस्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आर्ज, 20,000 बच्चे वहाँ पर डे लाइट में, दिन की रोशनी से परे होकर आग की भट्टियों के सामने बेंगल्स बना रहे हैं, उन पर वेल्डिंग्स कर रहे हैं। आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग डे लाइट आज ऑफन लोसिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इस तरह से अपनी आंखों की चमक खोते जा रहे हैं। मुकेश's आइज बीम एज वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंख चमकने लगी, मुझे घर ले जाने के लिए जिज्ञासु थी। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसको वो गर्व से कह रहा था कि उसका घर रीबिल्ट हो रहा है, मतलब फिर से बन रहा है, मरम्मत हो रही है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस चॉक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होबेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबली डोर्स नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कॉक्सिंग इन अ प्राइमल स्टेट, वहाँ पर एक तंग सी गली से वो निकलते हुए गया जहाँ पर मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी के घर बने हुए थे और खिड़कियाँ उनमें नहीं थी, और पूरा का पूरा जो वो एरिया था वो जानवरों से और ह्यूमन से, मनुष्य आदमियों से भरा हुआ था। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के सामने, घर के दरवाजे के सामने वो खड़ा हो गया। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और लोहे के दरवाजे को अपने पैर से उसने धक्का मार के खोला। एंड पुशेज इट ओपन, और उसे धक्का देके उसने खोल दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक इन अ पार्ट ऑफ इट थेस्ट विद डेड ग्रास इज अ फायर वुड स्टॉप ओवर विच सिस अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लेबल्स लीव्स,
और वहाँ पर जब वो अंदर गए, लेखिका बता रही है ऑथर कि जब अंदर गए तो वहाँ पर छप्पड़ बना हुआ था, पुरानी सूखी घास से छप्पड़ बना हुआ था उस घर में, और एक महिला वहाँ पर एक बर्तन में, एक बड़े बर्तन में पालक की पत्तियाँ उबल रही थीं। ऑन द ग्राउंड अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जबकि ग्राउंड में बड़ी एल्यूमिनियम के प्लेट्स में कटी हुई सब्जियां रखी थी। अ फ्रेल यंग लुकिंग यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमज़ोर से देखने वाली नवयुवक थी महिला पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आंखें जो कि धुएं से भरी हुई थी चूल्हे के धुएं से, और उन्हीं आंखों से उसने स्माइल दी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेशस एल्डर ब्रदर, वो कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में बड़ी नहीं थी ज़्यादा। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, बहू के रूप में वो रेस्पेक्ट को कमांड करने लगी और बड़ों का सम्मान करने लगी। द डॉटर इन लॉ इन द हाउस, घर की पुत्रवधू ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, तीन लोगों का चार्ज उस पर था, मतलब तीन लोगों की देखभाल उसे करनी थी, मुकेश की, मुकेश के भाई की और मुकेश के पिता की। When the older man enters, जब बूढ़े older उससे उम्र में बड़े लोग प्रवेश करते थे, she gently withdraws behind the broken wall, तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती थी, and brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे को, अपने घूंघट को अपने चेहरे पर डाल देती थी। As a custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male enters, जैसे कि वहाँ की परंपरा थी, कस्टम थी, कस्टम ये था कि डॉटर ऑफ इन लॉ यानी कि पुत्र वधु जब बड़े मेल उपस्थित अंदर आएंगे तो उसे पर्दा डालना होगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन अपरविस्ड बैंगल मेकर, डिस्पाइस लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, यहाँ पर सबसे बड़ा यानी कि उनका मुकेश का पिता जो था वो पहले से ही बहुत दिनों सबसे ज़्यादा काम कर चुका था। सबसे पहले उसने टेलर के रूप में काम किया, फिर वो बेंगल मेकर के रूप में काम करने लगा, चूड़ियाँ बनाने के रूप में काम करने लगा। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, इतना काम करने के बाद वो घर को दोबारा से नहीं बना पाया। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows. बस वो उनको वही सिखा पाया है जो वो खुद जानता है, यानी कि the art of making bangles, चूड़ियाँ बनाने की कला। It is his karm, his destiny, यह उसके कर्म हैं, उसकी किस्मत है। Says Mukesh's grandmother, मुकेश की दादी माँ कहती है, who has watched her own husband go blind विद अ डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, जिसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा है चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए। कैन अ गॉड गिवन इन लिनलीनेस एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो कहती है क्या भगवान के द्वारा बनाई हुई किस्मत या बनाया हुआ जो कर्म है तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने वालों की कास्ट में जन्म लेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था, वो कुछ नहीं देख सकते थे, बस चूड़ियाँ ही देख पाए थे। इन द हॉर्स हाउस, इन यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, अपने आंगन में, अपने घर में और हर किसी के हर घर में उन्हें केवल चूड़ियाँ ही दिखती थीं। Every other yard, every street in फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में उन्हें केवल चूड़ियाँ ही दिखती थीं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy, green, royal, blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow. Rainbow के जो सात कलर होते हैं और सात कलर्स में से जो रंग बनते हैं, सारे रंग की चूड़ियाँ ही वो देख पाए थे। Lie in the mounds in the unkempt yards
आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जो चूड़ियाँ उनके चार पहिए के ठेले पर लदी रहती थी। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, जो यंग मैन मतलब नए उम्र के जवान लड़के थे, उनके द्वारा उस कार्ट को यानी कि हाथ ठेले को, हाथ से ढकेलने वाले ठेले को ढकेला जाता था ऑफ शनी शेंटी टाउन, उस पूरे टाउन में। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, चमकने वाले ऑयल लैम्प के वाले इन सारी झोंपड़ियों के पास से उस हथ ठेले को निकाल कर ले जाया जाता था। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और वहीं रोड पर लड़के और लड़कियां अपने माता पिताओं के साथ बैठते थे। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस, और रंगीन कांचों के टुकड़ों को वेल्डिंग करते थे। इनटू सर्कल्स ऑफ द बेंगल, मतलब चूड़ी के आकार में गोलाकार देते हुए वेल्डिंग करते थे। देयर आइज वर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें जो थी अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी थी बजाय बाहर के उजाले के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, इस वजह से वो उम्र होने से पहले और एडल्ट होने से पहले ही उनकी आई साइड यानी कि आँखों की रोशनी चली जाती थी। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड अ एल्डरली वुमन, सविता नाम की एक यंग गर्ल है जो कि पिंक ड्रेस पहने हुए एक महिला के पास, एक उम्र में बड़ी महिला के पास बैठती थी। सोल्डिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और उन पीसेज ऑफ ग्लास को सोल्डरिंग यानी कि उन पर वेल्डिंग किया करती थी, उनको जोड़ा करती थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन्स, उस मशीन्स पर उसके हाथ मैकेनिकली मशीन के मैकेनिक के होते हैं उस तरह से गोल गोल घूमते थे। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, मुझे आश्चर्य था कि इन चूड़ियों को बना रही है, क्या उन चूड़ियों का महत्व ये जानती होगी। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वूमन सुहाग, ये चूड़ियाँ किसी इंडियन भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं। ऑस्पिशियस इन मैरिज, शादी में ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियस का मतलब यानी कि सुहाग का प्रतीक होती हैं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील, ये चूड़ियाँ उसके कलाइयों में पहना दी जाएंगी उसी दिन जिस दिन उसके सिर पर पल्लू, लाल रंग का पल्लू यानी लाल रंग का पर्दा डाल दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, और उसके हाथ हिना से मेहंदी से लाल कर दिए जाएंगे। एंड रेड बेंगल रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और की कलाइयों पर लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जो ठीक उसी तरह की उस जैसे कि बगल में बैठी हुई महिला थी, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई पर चूड़ियाँ थीं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में चमक नहीं थी। एक वक्त फेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, वो कहती है कि एक बार मतलब पर्याप्त खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसी आवाज़ में जिसमें खुशी की कमी थी। शी हैज़ नॉट इन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसके कहने का मतलब था कि जीवन में उसने पूरे जीवन में पूरा एक भोजन भी, एक समय का पूरा खाना भी नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, उसने बस यही हासिल किया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्रोइंग बियर्ड, उसका पति जो कि बूढ़ा व्यक्ति है जिसके बाल सफ़ेद हुए हैं दाढ़ी के, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही कमा पाया है, यही कर पाया है इस चूड़ियाँ बनाने के काम से कि एक घर बना लिया है जिसमें मेरा परिवार रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम,
उसको सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिससे पाने में लोग असफल रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, मतलब घर को भी हर कोई हासिल नहीं कर पाता। इसलिए ये लाइन आई है कि उसने उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा हासिल किया है जिसको ज़िंदगी भर लोग हासिल नहीं कर पाते, मतलब मकान नहीं कर पाते, लोग ज़िंदगी भर किराए के मकानों में पड़े रहते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, ये क्राई कि इतना पर्याप्त पैसा नहीं है किसी के पास चूड़ियाँ बनाने के काम से कि अपने खान लोगों को पर्याप्त खाना दे सकें या अपनी जीवन यापन की चीज़ें पूरी कर सकें, ये क्राई उस हर घर के उस फिरोजाबाद के हर घर से सुनाई पड़ती थी, ये आवाज़ हर घर से सुनाई पड़ती थी। जिस तरह से यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पर महिला कह रही है कि एक वक्त का भी खाना नहीं खाया, और यहाँ पर पुरुष जो बूढ़ा व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि मैंने केवल घर बना पाया है। तो ऐसी समस्याएं हर घर से सुनाई पड़ती थी। द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और ये यंग मैन का जो एको है, यंग मैन जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बूढ़ों की बातों से एको होता था, उसी बात को वो भी दोहराते थे। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ थोड़ा सा बदल गया है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा फिरोजाबाद में लगता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल ऑल इंटीएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, बस थोड़ा सा ये बदला है कि लोग कुछ आगे बढ़कर चूड़ियाँ बनाने के अलावा सपना देखने लग गए हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने कुछ एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा कि अपने आप में आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनते, एक व्यवसाय ऐसा क्यों शुरू नहीं कर सकते। हु हैव फॉलन इन टू विशेषियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जो पूरी तरह से एक मिडिल मैन मध्यस्थ के बीच में गिर गए हैं और अपने फादर और फोर फादर्स मतलब अपने पूर्वजों की बातों को फॉलो कर रहे हैं और वही करते आ रहे हैं। उनसे राइटर ने पूछा कि आप एक कोऑपरेटिव के रूप में क्यों नहीं बनते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इल्लीगल, तो उसने बताया अगर हम सब ऑर्गेनाइज भी हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और अब एक साथ व्यवसाय करने लगें तो पुलिस के द्वारा हमें ढकेल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और हमें पीटा जाएगा, इसे एक इल्लीगल और गैर कानूनी माना जाएगा। जैसे वो कहते हैं देर इज़ नो लीडर अमोंग देम, कि उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो चीज़ों को डिफरेंटली अलग ढंग से देखे, जैसा कि चूड़ियाँ बनाने का काम है उसको कुछ अलग ढंग से करना चाहे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थक गए हैं जितने वो थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो केवल बातें करते हैं गरीबी के बारे में और फिर रंग भेद इन मतभेदों के बारे में बात करते हैं और लालच की बातें करते हैं, और असामान्यता की बात करते हैं और अन्याय की बातें करते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उन्हें सुनने से दो शब्द सुनाई पड़ते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वे पॉवर्टी बर्डन बाई द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, एक शब्द सुनाई पड़ता है गरीबी के बारे में, जिस गरीबी में उन जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ है उसमें ये गरीबी उन्हें झेलनी पड़ रही है। द अदर अ विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार्स द मिडिल मैन एंड द पुलिसी पुलिस मैन एंड कीपर्स ऑफ लॉ द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और दूसरा शब्द ये है कि साहूकारों ने, पुलिसमैन ने, पॉलिटिशियन ने, इन सब लोगों ने मिलकर उनको गुलाम बना रखा है और वो आगे नहीं बढ़ सकते। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड एंड कैन पुट डाउन, एक साथ हो जाएं तो वो अपना चाइल्ड लेबर को, बचपन का जो लेबर है उसको दूर कर सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट
एज नेचुरली एज हिज फादर. टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. उनके कहने का मतलब था कि कुछ अन्य करना मतलब साहस करना है. एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और डेयरिंग मतलब हिम्मत करना ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं है. अगर डेयर करेंगे तो ग्रो नहीं हो पाएंगे. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश. मुकेश में मुझे ए सेंस दिखाई दिया, एक सपना दिखाई दिया. आई एम चीयर, मुझे खुशी हुई. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही रिपीट्स, उसने फिर रिपीट किया. ही विल गो टू गारबेज एंड लर्न. उसने कहा कि मैं गैरेज जाऊँगा और वहाँ सीख लूँगा. बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम. लेकिन उसका गैरेज जो है उसके घर से दूर है. आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊँगा. ही इंसिस्ट, वो कहता है, वो आग्रह करता है कि मैं चल कर जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. तब से लेखिका ने पूछा, ऑथर ने पूछा, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक है. ही इज सडनली साइलेंट, वो शांत हो जाता है. नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो जमीन पर देखते हुए कहता है. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट. उसके मर्मर में, उसकी बड़बड़ाहट में एक संकोच था, एक झिझक थी. दैट हैज़ नॉट येट टर्न इंटू रिग्रेट, जो संकोच पछतावे में नहीं बदला था. ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार्स का सपना देखता है. दैट ही सीज हॉन्टिंग हॉटलिंग डाउन द स्ट्रीट, जो उसे गलियों में चलती हुई दिखाई देती हैं ऑफिस टाउन, अपने टाउन में. फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में कुछ ही एयरप्लेन फ्लाई ओवर मतलब उड़ते हैं. तो यहाँ पर भी देखा आपने कि यहाँ पर भी एक बचपन किसी का खो दिया है. यहाँ पर मुकेश ने बचपन खोया है और पिछली स्टोरी में साहिब ने बचपन खोया है. यहाँ पर चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा है और वो सपना देख रहा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. और पिछली स्टोरी में वो सपना देखना चाहता है कि वो टेनिस खेलना चाहता है. तो यहाँ पर दोनों ही स्टोरी में एक ही सेंस मिल रहा है कि वो कुछ ना कुछ अपना बचपन खो चुके हैं, यानी कि स्प्रिंग खो चुके हैं. स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु को खो चुके हैं. तो इसके बारे में ये स्टोरी बता रही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिन्हें डेली मील नहीं मिल पाता, पेट भर के खाना नहीं मिल पाता और उन्हें भूखा रहना पड़ता है और अपनी जीवन यापन के लिए खुद काम करना पड़ता है. छोटी छोटी उम्र में उन्हें पढ़ाई शिक्षा तो दूर की बात है, बल्कि उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता, अपना वो सपना भी नहीं देख सकते. तो ये था आपका चैप्टर सेकंड. ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फील फ्री पूछ सकते हैं. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में पहले तो जवाब दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ, अगर कोई ज़्यादा लेंदी या ज़्यादा बड़ा डाउट है तो उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा. ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए करें. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.